अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायका एंड टिप्स में मिस्टर आनंद और आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम देसी सरसों का साग बनाएंगे और वो भी घर में मैंने उगाया हुआ है, कुछ बाजार से भी उगाया हुआ है। ये देखें, घर में मैंने क्रेट में उगाया हुआ है, गमलों में साग उगाया हुआ है। रहते हम सिटी में हैं लेकिन मैंने पूरा माहौल बनाया हुआ है छत पे गांव जैसा। आज हम पूरा गांव का माहौल आपको बना के बताएंगे और खालस देसी सरसों का साग कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे आपको। तो ये साग मैं पहले काट लेती हूँ। ऑर्गेनिक साग खाद के बगैर, लेकिन ये थोड़ा है बाजार से लाजमी लाना पड़ा है। एक खेत तो यूज हमारा बिल्कुल गंजा हो गया है, दूसरे खेत को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत माशाल्लाह। माशाल्लाह, चलिए ये फ्लावर वाला रहने देते हैं। अपने हाथों का उगाया हुआ साग विवर्स बड़ी खुशी हो रही है। वो भी गमले में मैंने लगाया हुआ, हमेशा मैं लगाती हूँ, क्यारी मेरी इस दफा फारग नहीं थी तो मैंने गमलों में लगा लिया। ये माशाल्लाह ये पौधा रहने देने हैं, ये और कोई नस्ल है, इसमें फूल बनेंगे और बीज बनूंगा। मैंने इसमें प्याज भी लगाया हुआ था, देखिए माशाल्लाह। ये अभी तड़का लगाया है, ये साग बनाते हैं तो पूरा माहौल बनाया हुआ है गांव का। माशाल्लाह साग अपने घर का कितना ज्यादा निकला है, बड़ा अच्छा बनेगा ऑर्गेनिक साग, खूबसूरत जायका भी इसका बहुत मजे का होगा और देसी है ये। आओ जी, ये मैंने बाजार से मंगवाया साग, ये किलो से तकरीबन ज्यादा है, 1.5 किलो साग है। ये पालक फ्रेश मिल गई है हमें माशाल्लाह, खूबसूरत। और ये है बाथू, ये तकरीबन साग जो है ना 2 किलो हो जाना है, आधा किलो किलो मैंने पालक ली थी, आधा किलो रह जानी है ये साफ सुफ करके। और ये बाथू आधा कट करके मिलते हैं आपको। साग हमने काट लिया है माशाल्लाह, अलहदा काटा है, पालक को अलहदा काटा है और बाथू को अलहदा काट लिया। बाथू में थोड़ी थोड़ी किरक होती है, यानी कि रेतले इलाकों में होता है ये, तो रेत होती है थोड़ी थोड़ी, इसको अलहदा ही काटना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए। अब मैं धोती हूँ, हंडिया में पकाएंगे साग, लेकिन पहले हम सबसे पहले ये करेंगे कि थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे देगचे में, खुले में वो पानी हम जाया कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे, चूल्हे को जलाते हैं लकड़ियाँ। चूल्हा बनाने की जो मैंने तरीका जो व्यूअर्स ये मैंने शेयर किया आपसे, चूल्हा मैंने खुद तैयार किया, ये मिट्टी का खुद बनाया मैंने, फुल माहौल गांव का। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके धो लें। वो
बासू को भी अच्छे से ज्यादा पानी से धोना। बॉयल हो गया, इसमें डालते हम साग, थोड़ा सा बॉयल करके फिर हंडिया में पकाएंगे, वो वाला पानी हम जाया कर देंगे। इस तरह बासू भी डाल दें, इस तरह से पालक भी डाल दें, ऐसे थोड़ा पक जाएगा, नीचे होगा, ये भी डाल देते हैं पालक दूसरी भी। और ऐसे डाल देंगे, एक बॉयल आने पे हमें ये पानी जाया कर देंगे, फिर हंडिया में साग पकना है असल में। ये ढक्कन देते हैं, अभी कुछ भी नहीं डालना इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये व्यूअर्स पानी हम अब जाया कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको नीचे उतार देते हैं, ये सब हंडिया रखते हैं ऊपर। ये पानी इसलिए बॉयल करके जाया करना है कि साग की जो कड़वाहट होती है, थोड़ी बहुत जो बाजार से लिया है, खादों से बना होता है, तो वो जो है ना खत्म हो जाएगी कड़वाहट, बेहतरीन साग बनता है। थोड़ा सा पहला एक दफा बॉयल करके आप गिरा लें पानी, फिर साग जो है आपका है। अब हंडिया में साग बनेगा इंशाल्लाह खूबसूरत। हंडिया में पानी डालते हैं, पानी गर्म होने पे वो साग जो है इसमें डाल देंगे। ये पहले एक डेगची मैंने ये छोटी सी पानी की डाली है, अब इतना सा पानी और डाल लिया है। डाल देते हैं, पानी को बॉयल आता है तो साग डाल देते हैं इसमें। आज हंडिया में साग पकेगा माशाल्लाह। ये साग जो है ना इसमें डाल देते हैं अब। इस टाइम पे आके साग पक रहा है। अब पकते हुए ये लहसुन है, ये मैंने अदरक लिया है छील के, ये मिर्च ली है, 20 रुपए की मिर्चें मैंने मंगवाई थी, ये फ्रेश है माशाल्लाह, ताज़ा। रेड मिर्च नहीं हम डालेंगे, यही ग्रीन ही चिली डालेंगे हम। फुल माहौल व्यूअर्स गांव जैसा, नीचे में हम कूट के डालेंगे। नीचे में थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, 2 स्पून तकरीबन। छत पे हम पका रहे हैं व्यूअर्स, तो बारबेक्यू करते हैं। हमने पूरा गांव का माहौल बनाया हुआ है, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी की हांडी, साग पक रहा है लकड़ियों पे, बड़ा जायकेदार बनेगा माशाल्लाह, ताज़ा फ्रेश साग। ये डाल दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे पत्ते साग में व्यूअर्स डाल दें, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, हल्का फुल्का कूटा है मैंने, बाकी गल जाएगा साग के साथ ही। अब आधा घंटा साग पकेगा, ये जल्दी पक जाएगा, ताजा साग था और हंडिया में जल्दी पक जाता है। अब तड़का लगाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। सब्ज़ प्याज लेते हैं, ये भी खुद गाया हुआ है पास, ये देखें सब्ज़ प्याज माशाल्लाह खूबसूरत। फिर ये सब्ज़, ये देखें बेहतरीन। चलो जी वाश करके लाओ बेटा। साग व्यूअर्स माशाल्लाह पक गया, अब इसको कूटते हैं, पंजाबी में हम तो कूटने कहते हैं। यानी कि ग्राइंड करना व्यूअर्स हाथ से, इंशाल्लाह करती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। ये थोड़ा आटा डाल देते हैं गंदम का, थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको ग्राइंड करते जाएं ऐसे करके।
देखें व्यूअर्स कितना प्यारा ग्राइंड हो गया हाथ से माशाल्लाह। मक्खन मलाइयां, गंदरा ना साग, आटा गंदम का इसलिए डालते हैं कि जो पानी होता है ना वो आटा फिर सोख लेता है। देखें व्यूअर्स मक्खन मलाइयां साग बेहतरीन, बहुत जल्दी पक गया। हंडिया का पकाने में जायका ही और होता है, मजेदार। व्यूअर्स आप तड़का लगाते हैं पूरा गांव का माहौल। व्यूअर्स इधर साग रख देंगे अब, ये कोयले निकाल के लाके गरम रहे। इधर मकई की रोटी पकाते हैं। गांव में औरतें पकाती हैं खाना, पर साथ पास उन्होंने ऐसे अंगीठी भी बनाई होती है, उसके ऊपर चाय या सालन रख देती हैं ताकि गरम रहे कोयले डाल के। बिस्मिल्लाह हंडिया हमारी इधर रहेगी, अब गरम रहेगा साग हमारा। उधर हम पकाते हैं चूल्हे पे मकई की रोटी, तड़का लगाते हैं साग को देसी घी। वाह मजे शानदार भाई, देसी घी को गर्म होने दो भी थोड़ा। लहसुन और अदरक डालेंगे इसमें देसी घी में। लहसुन सबज सबज मिर्ची दो कट करके डाल देंगे। बिस्मिल्लाह इसमें डालते हैं और साग। तड़का व्यूअर्स देसी घी का मजेदार माशाल्लाह, ताज़ा साग, गांव का सारा माहौल। व्यूअर्स आपके लिए मेहनत कर रही हूँ इतनी। इस टाइम पे व्यूअर्स आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपने ज्यादा तेज नमक मिर्च करनी है तो कर लें, नहीं तो हमने तो चख लिया, बड़ा मजे का बना है माशाल्लाह। नमक मिर्च भी बेहतरीन, ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया बेहतरीन तरीका यही है साग पकाने का। साग का लाजमी बॉयल करके पानी उतार देना चाहिए। आजकल तो खादों के पले होते हैं, मेरा तो कुछ साग जो है ऑर्गेनिक साग खादों के बगैर कुछ बाजार से मंगवाया था। बेहतरीन वीडियो में आपसे शेयर की है। अब हम मकई की रोटी बनाते हैं। साग हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ऐसे मल मल के व्यूअर्स मकई का आटा बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको ऐसे मसल मसल के बनाते हैं। ऐसे करके इसका पीड़ा बना लेते हैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते हैं। छोटी रोटी भी व्यूअर्स बना सकती हूँ मैं, बड़ी सी नहीं मेरे से बननी। इसकी रोटी पकाना भी एक महारत है, होता रहा ये भी कई की रोटी बनाना। बिस्मिल्लाह पकानी है मकई की रोटी इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता चारों तरफ से ऐसे करके बड़े प्यार से ये पलटी जाती है रोटी। बिस्मिल्लाह जबरदस्त नजारे मकई की रोटियां। ऐसे ऐसे ये फेर फेर के इसको बनाना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। इसका हल्की आंच पे पकती है व्यूअर्स ये। रोटी व्यूअर्स रेडी होगी माशाल्लाह, मकई की रोटी। एहतियात से इसको उतारते हैं, ये मजेदार माशाल्लाह। अच्छा रेडी हो गया, मक्खन के पेड़े, मकई की रोटी, गंदरा का साग, बेहतरीन मजेदार।
खुद बनाया अपने हाथ से, छत पे उगाया। व्यूअर्स लाइक तो बनते हैं, व्यूज भी बहुत ज्यादा बनते हैं। व्यूअर्स बड़ी मेहनत की है मेरी वीडियो को। व्यूअर्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। रात बहुत ज्यादा हो गई थी व्यूअर्स, इससे मेरे बेटे ने मुझे बल्ब लगा दिया ऊपर छत पे। चलें फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।